पिछले दिनों हुए खातेगांव क्षेत्र के पत्रकार हर्षित तिवारी के साथ खबर चलाने की बात पर भाजपा नेता और उनके सहयोगियों द्वारा सोशल मीडिया पर गर्दन काट देने जिस धमकी भरे मैसेज को लेकर खातेगांव थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। जहां थाना प्रभारी के द्वारा की गई FIR से संतुष्ट नहीं होने के कारण कन्नौज के पत्रकारों ने एकत्रित होकर SP संपत उपाध्याय देवास के नाम का ज्ञापन एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा तथा SDM कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अंजलि गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच करवाकर उचित कार्यवाही की मांग की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद थे। इस संबंध में एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा ने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि 24 घंटे में मामले की गंभीरता से जांच कर कार्यवाही की जाएगी। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस की पहचान होती है और भारतीय प्रेस ने समय समय पर अपनी जागरूकता से इस लोकतंत्र को अक्षुण बनाए रखने का काम किया है। खातेगांव क्षेत्र के भाई हर्षित तिवारी द्वारा विभिन्न संसाधनों के माध्यम से अपनी आवाज़ को लगातार उठाया, लेकिन उनकी इस आवाज़ को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कुछ लोगों द्वारा किया गया। लगातार उनको धमकी दी जा रही, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि आपका हाथ पैर काट दिए जाएंगे। ऐसे में युवा पत्रकार के साथ ये जो धमकीपूर्ण व्यवहार किया जा रहा, कायराना व्यवहार किया जा रहा, मतलब कायराना भी कहूँ, इसके खिलाफ शासन को संज्ञान लेना चाहिए और भाई हर्षित तिवारी के लिए यथासंभव जो सुरक्षा की व्यवस्था वो होना चाहिए और मैं इस प्रकार के कृत्य करने वाले सभी भाजपा नेताओं की बहुत बहुत निंदा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।